ज्ञान वाटिका में आप सभी का स्वागत है। आज जो है हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट वाले चैप्टर को एट अ ग्लांस देखने वाले हैं, और या तो कहें कि इस चैप्टर का पूरा रिवीजन करने वाले हैं, है ना। एक ही लेक्चर में पूरे चैप्टर को अभी हम लोग क्विक रिवीजन करने वाले हैं, है ना। तो आइए चलते हैं रिवीजन की ओर। सबसे पहले इस चैप्टर में हम लोग पढ़े थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, है ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बारे में, है ना। और हम लोग इस लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में देखे थे कि जब भी कोई सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट करता था, है ना, तो वो कुछ लॉज को फॉलो अप करता था, है ना। उसी लॉ को हम लोग जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के नाम से जाने थे। और ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था क्या, उस चीज को अभी हम लोग रिवाइज करने जा रहे हैं, है ना। तो ये एक प्लेन सरफेस है, यहां पर जो है एक लाइट रे आ रहा है जो कि इस सरफेस पे टकरा रहा है, इस पॉइंट पे, है ना, इस पॉइंट पी पे टकरा रहा है। और टकराने के बाद ये जो है इस डायरेक्शन में, है ना, मान लेते हैं कि ये वाई डायरेक्शन से आ रहा है, आप ये पी पॉइंट पे टकराने के बाद ये जो है एक्स डायरेक्शन में जो है रिफ्लेक्ट बैक हो जा रहा है ना। तो अगर इस पॉइंट पी पे हम इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन खींचे तो इट विल बी नॉर्मल टू दिस प्लेन, है ना। अब ये नॉर्मल के साथ ये जो इंसिडेंट रे है, मींस जो इंसिडेंट लाइट का जो रे है, वो जो एंगल इस नॉर्मल के साथ बनाएगा उसको हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग आई लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। दूसरा क्या है कि इस नॉर्मल के साथ जो ये रिफ्लेक्टेड रे एंगल बनाएगा उसको हम लोग एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बोलते हैं, और इसको हम लोग आर लेटर से डिनोट करते हैं, है ना। तो लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में सबसे पहला लॉ हम लोग क्या पढ़े थे कि ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, पॉइंट ऑफ नॉर्मल और पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन एक ही प्लेन पर होगा, है ना। मींस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस रिफ्लेक्शन एंड नॉर्मल विल ऑलवेज लाई एट अ सेम प्लेन, सेम प्लेन। ये जो इंसिडेंट पॉइंट है, नॉर्मल का जो पॉइंट है और ये रिफ्लेक्टेड रे का जो पॉइंट है, वो तीनों पॉइंट एक ही प्लेन पर जो है वो एग्जिस्ट करेगा, एक ही पॉइंट पर लाई करेगा, एक ही प्लेन पर लाई करेगा, है ना। दूसरा हम लोग इसमें क्या देखे थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, है ना। मींस ये एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दूसरा लॉ जो है हम लोग पढ़े थे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में। कहने का मतलब है कि जो भी एंगल इंसिडेंट रे ऑफ लाइट नॉर्मल के साथ बनाएगा वो एंगल आई, और जो भी एंगल रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाएगा वो एंगल आर, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ये हम लोग जो है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़े थे। इसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन थ्रू प्लेन मिरर वो पढ़े थे, है ना। और प्लेन मिरर को जो है हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट किए थे, है ना। प्लेन मिरर को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्ट्रेट लाइन और उसके पीछे जो है इस टाइप का ऑब्लिक वाला साइन देके इसको जो है एम एम डैश से रिप्रेजेंट किए थे, है ना। ये जो सरफेस है ये मिरर का एपर्चर है, है ना, ये मिरर का एपर्चर है, और ये जो है ये बैक पार्ट है, है ना, जो कि सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम कोटेड हो सकता है ना, सिल्वर या फिर एल्यूमिनियम कोटेड हो सकता है।
और रिफ्लेक्शन जो है इसी सरफेस मीन्स एपर्चर वाले सरफेस पे होता है ना। और प्लेन मिरर में रिफ्लेक्शन के बाद किस तरह का इमेज बनता है उसके नेचर को भी हम लोग पढ़े हैं इस चैप्टर में, है ना। तो उसका नेचर क्या क्या होता था, तो उसका नेचर के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं अभी, है ना। उसका नेचर कैसा कैसा होता था, सबसे पहला नेचर क्या कि सेम साइज का इमेज बनाता था, है ना, सेम साइज इमेज, है ना, एज ऑब्जेक्ट मींस ऑब्जेक्ट जितना बड़ा है उतना बड़ा इमेज बनाता था वो, है ना। दूसरा पॉइंट क्या हम लोग इसमें देखे थे कि जो इमेज बनता था वो वर्चुअल एंड इरेक्ट होता था, है ना, वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल कहने का मतलब कि लाइट का जो है एक्चुअल इंटरसेक्शन उसमें नहीं होता था, लाइट रेज का जो है अपीयर्स टू इंटरसेक्ट वाला फॉर्मूले से हम लोग वर्चुअल इमेज बनाते थे, और जो इमेज बनता था वो इरेक्ट कहने का मतलब क्या, सीधा इमेज बनता है, है ना। इसमें एक फिनोमेनन हम लोग ऑब्जर्व किए थे, दैट इज लेटरल इन्वर्सन। लेटरल इन्वर्सन इस फिनोमेनन में हम लोग क्या देखे थे कि इस फिनोमेनन में जो हम लोग का लेफ्ट पार्ट है वो मिरर में हम लोग को राइट पार्ट दिखता है ना, और जो हमारा राइट पार्ट है वो मिरर में हमको लेफ्ट पार्ट के जैसा दिखता है, लेफ्ट पार्ट दिखता है। उसी फिनोमेनन को हम लोग लेटरल इन्वर्सन का नाम दिए थे, है ना। इसके बाद इसका इमेज का करेक्टरिस्टिक्स में तीसरा हम लोग क्या देखे थे कि जो ये इमेज बनाता है वो सेम डिस्टेंस पे बनाता है, मींस ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस अगर u है ना, और इमेज का डिस्टेंस अगर v है तो u है ना, u जो है v, ये दोनों बराबर होता था, है ना। मींस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस जो मिरर के अपर्चर से होता था वो बराबर होता था, है ना। इस तरह का जो है इमेज करेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखे थे प्लेन मिरर के इमेज फॉर्मेशन के दरमियान, है ना। और इसमें जो है इमेज जो है वो हमेशा बिहाइंड द मिरर बनता था, बिहाइंड द मिरर, है ना। इतना सारा जो है हम लोग नेचर देखे थे इमेज का प्लेन मिरर के दरमियान। अच्छा, प्लेन मिरर का यूजेज में हम लोग क्या देखे थे, है ना, यूजेज ऑफ प्लेन मिरर में हम लोग क्या देखे थे। तो सबसे पहला यूज हम लोग इसका देखे थे कि ड्रेसिंग टेबल में इसका यूज होता है। हम लोग का घर में जो ड्रेसिंग टेबल है उसमें जो है प्लेन मिरर का यूज होता है। दूसरा क्या है कि रोड के ब्लाइंड टर्निंग में जो है इसका यूज होता है, ब्लाइंड टर्निंग ऑफ रोड, ब्लाइंड टर्निंग ऑफ रोड उसमें जो है इसका यूज होता है, ठीक है। तीसरा यूज हम लोग क्या इसका देखे थे कि इसका जो है शॉप्स में भी बहुत जगह यूज होता है ना, रेक वगैरह में ऑब्जेक्ट को मीन्स जहां सामान रखता है दुकानदार वहां पर जो है इसको रखने मीन्स सामान को रखने के दरमियान जो है पीछे मिरर वगैरह जो है लगाया जाता है, आप दुकान वगैरह में इस चीज को देखे होंगे, है ना। तो वहां पर जो मिरर यूज होता है वो जो है प्लेन मिरर ही होता है। और चौथा यूज हम लोग इसका देखे थे जो है इसका इस्तेमाल पेरिस्कोप, है ना, पेरिस्कोप बनाने में इसका यूज होता है ना, पेरिस्कोप बनाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, पेरिस्कोप बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, जो कि वहां भी प्लेन मिरर का जो है हम लोग इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम लोग इस चैप्टर में जो है स्फेरिकल मिरर के बारे में भी पढ़े थे, है ना? तो हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़े थे, है ना। सबसे पहला हम लोग पढ़े थे कनकेव मिरर, है ना, कनकेव मिरर। कनकेव मिरर का रिप्रेजेंटेशन कैसा होता था, इस टाइप से, है ना, जिसका सरफेस जो है बाहर से अंदर की ओर धंसा हुआ होता था, है ना, मींस बेंट इनवर्ड, है ना, बेंट इनवर्ड। और इसका जो है ये पोल है, ये फोकस है, और ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। पोल से फोकस तक के दूरी को हम लोग फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग लेटर स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। इस
मिरर से रिलेटेड हम लोग इसका रे डायग्राम बनाने के लिए उसका रूल्स भी पढ़े थे, है ना, रूल्स भी पढ़े थे। इसका चार रूल्स हम लोग देखे थे, है ना, चार रूल्स जो है हम लोग देखे थे, जिससे हम लोग जो है यूज करके, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग इसका रे डायग्राम को बनाने का कोशिश किए थे, है ना। और रे डायग्राम इमेज फॉर्मेशन के दरमियान हम लोग जो रे डायग्राम खींचे थे उसका टोटल 6 केसेस जो है हम लोग इसमें पढ़े थे। इस कनकेव मिरर का हम लोग यूजेज भी पढ़े हैं इस चैप्टर में, है ना। तो ये 6 केस प्लस यूजेज ऑफ कनकेव मिरर, इसका एक सेपरेट लेक्चर है जिसमें क्विक रिविजन टाइप का बनाया गया है, है ना, और उसमें 6 केस का इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर के द्वारा और जो है इसका यूजेस के बारे में जिक्र किया गया है। आप उस लेक्चर को देख सकते हैं जहां पे ये 6 केस और कनकेव मिरर का यूजेस आपको एक ही लेक्चर में सारा कुछ मिल जाएगा। दूसरा जो हम लोग इसमें पढ़े थे वो था कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स मिरर का जो रिप्रेजेंटेशन था कुछ ऐसा था जो कि बेंट आउटवर्ड होता था, मींस बाहर की ओर निकला हुआ होता था। इसका जो है ये पोल है, ये फोकस है और ये जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर है। इसमें भी उसी तरह पोल से फोकस तक के दूरी को हम लोग फोकल लेंथ के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग लेटर एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक के दूरी को हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। इस चैप्टर में जो है हम लोग इसके इमेज फॉर्मेशन के लिए रूल्स को भी पढ़ चुके हैं, रे डायग्राम का फॉर्मेशन के लिए इसके रूल्स को भी पढ़ चुके हैं, और इसका टोटल 2 केस है इमेज फॉर्मेशन का, 2 केस है, है ना, जो कि एक पोल और इंफिनिटी के बीच में ऑब्जेक्ट को रख के बनाया जाता है और एक ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी में रख के बनाया जाता है। ये इसका जो इमेज फॉर्मेशन और इसका यूजेस हम एक लेक्चर में जो है क्विक रिविजन टाइप का बना चुके हैं, उस लेक्चर को आप देख सकते हैं, जिससे आपका कन्वेक्स मिरर का यूजेस और उसका इमेज फॉर्मेशन वो सारा कुछ एक ही लेक्चर में आपको मिल जाएगा, है ना। इसके बाद इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े हैं उसको, इस चैप्टर में हम लोग साइन कन्वेंशन को लेकर जो है स्फेरिकल मिरर का बात किए थे, है ना, स्फेरिकल मिरर का जो है लेकर हम लोग साइन कन्वेंशन का बात किए थे, जिसमें हम कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर दोनों का बात हम लोग किए थे, है ना। और इसमें हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि अगर मिरर के पोल को हम ओरिजिन माने, है ना, मिरर के पोल को हम लोग क्या मानेंगे, ओरिजिन मानेंगे, तो ओरिजिन से लेफ्ट साइड की ओर, मींस पोल से लेफ्ट साइड की ओर जो भी मेजरमेंट होगा वो जो है नेगेटिव में होगा, है ना, वो क्या होगा, नेगेटिव में होगा, उसका मैग्नीट्यूड हमेशा नेगेटिव में होगा, है ना। पोल से लेफ्ट साइड की ओर जो भी मेजरमेंट होगा वो हमारा नेगेटिव में होगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि हम पोल को एक ओरिजिन मानकर बात कर रहे हैं, है ना। ये जो है कनकेव मिरर है और ये कन्वेक्स मिरर है। दोनों मिरर के लिए हम लोग साइन कन्वेंशन को देखे थे, जिसमें दोनों मिरर के बात जो है वो दोनों मिरर में सेम था कि पोल को जो है हम लोग ओरिजिन मानेंगे और पोल से जब भी हम लोग लेफ्ट साइड की ओर मेजरमेंट करेंगे वो हमारा नेगेटिव में होगा, है ना, और पोल से जब हम राइट हैंड साइड की ओर मेजरमेंट करेंगे तो वो हमारा पॉजिटिव होगा, है ना, वो हमारा पॉजिटिव होगा। और ये जो लाइन है ये प्रिंसिपल एक्सिस है, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, इस मिरर के लिए ये प्रिंसिपल एक्सिस है। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जब हम अपवर्ड डायरेक्शन में मींस ऊपर की ओर मेजरमेंट करेंगे तो वो जो है हमारा पॉजिटिव में होगा, और जब प्रिंसिपल एक्सिस के डाउनवर्ड डायरेक्शन में हम मेजरमेंट करेंगे तो वो हमारा नेगेटिव में कंसीडर होगा, है ना, मींस उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग नेगेटिव में लेंगे, है ना।
प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी मेजरमेंट होगा वो नेगेटिव में होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर में जो भी मेजरमेंट होगा वो पॉजिटिव में होगा, चाहे वो पोल के लेफ्ट साइड में हो चाहे वो पोल के राइट साइड में हो, कोई भी साइड में। हम बात कर रहे हैं किसका, प्रिंसिपल एक्सिस का। प्रिंसिपल एक्सिस ये है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी मेजरमेंट होगा वो हमेशा पॉजिटिव में होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी मेजरमेंट होगा वो हमेशा नेगेटिव में होगा, ठीक है। कन्वेक्स मिरर के केस में भी वही है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी मेजरमेंट होगा वो पॉजिटिव में होगा और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी मेजरमेंट होगा वो हमेशा नेगेटिव में होगा, है ना। पोल के केस में भी वही है, पोल जो है पोल से लेफ्ट साइड की ओर जो भी हम मेजरमेंट करेंगे वो नेगेटिव में होगा और पोल से जो भी मेजरमेंट हम राइट साइड की ओर करेंगे वो हमारा पॉजिटिव में होगा, है ना। कन्वेक्स मिरर के केस में भी वही सेम चीज है, पोल से जब भी हम लेफ्ट साइड की ओर मेजरमेंट करेंगे वो हमारा नेगेटिव में होगा और जब पोल से हम राइट साइड की ओर मेजरमेंट करेंगे वो हमारा पॉजिटिव में होगा, है ना। इस चैप्टर में हम लोग एक और चीज पढ़े थे, दैट इज मिरर फॉर्मूला, है ना। मिरर फॉर्मूला, मिरर फॉर्मूला हम लोगों का क्या था कि 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू विल बी इक्वल्स टू 1 बाय एफ, है ना। ये वी क्या है, वी हमारा इमेज डिस्टेंस है, है ना, इमेज डिस्टेंस है। और u क्या है, u हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है और f हमारा क्या है, f इज द फोकल लेंथ, है ना, f इज द फोकल लेंथ, है ना। और ये जो मिरर फॉर्मूला है ये कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर ये दोनों मिरर के लिए एप्लीकेबल था, है ना। कन्वेक्स मिरर या फिर कनकेव मिरर ये दोनों मिरर के लिए जो है एप्लीकेबल था, है ना। और इसके बाद इसी चैप्टर में हम लोग क्या पढ़े थे, मैग्निफिकेशन, है ना, मैग्निफिकेशन। और इसको हम लोग लीनियर मैग्निफिकेशन के नाम से भी जानते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन कहिए या फिर मैग्निफिकेशन कहिए, उसके लिए जो है हम लोग दो एक्सप्रेशन पढ़े थे इस चैप्टर में। फर्स्ट वन इज H2 बाय H1, है ना। और ये H2 क्या है, इमेज हाइट, है ना, इमेज हाइट। और ये H1 क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट, है ना। और मैग्निफिकेशन का दूसरा एक्सप्रेशन हम लोग पढ़े थे, दैट इज माइनस ऑफ वी बाय यू, है ना। ये दूसरा एक्सप्रेशन जो है हम लोग मैग्निफिकेशन का पढ़े थे इस चैप्टर में, दैट इज माइनस ऑफ वी बाय यू। वी यहां पर क्या है, यही इमेज डिस्टेंस एंड यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। मैग्निफिकेशन का दूसरा जो है हम लोग एक्सप्रेशन इस चैप्टर में ये वाला पढ़े थे। हम लोग एक और चीज पढ़े थे, दैट इज हाउ टू डिस्टिंग्विश टाइप्स ऑफ मिरर, है ना। मींस अगर हमको तीन मिरर अचानक से मिल गया, दिया गया है हमको तीन मिरर और वो तीन मिरर जो है अलग अलग टाइप का है, या कहे तो कोई एक प्लेन मिरर है, कोई एक कनकेव मिरर है, कोई जो है और एक कन्वेक्स मिरर है, है ना। मींस एक कोई प्लेन मिरर है, दूसरा कोई एक कनकेव मिरर है और तीसरा कोई एक कन्वेक्स मिरर है। तो हम कैसे पता करेंगे, है ना। शर्त यह रहेगा कि इन मिरर्स को आपको टच नहीं करना है, छूना नहीं है, छूकर पता नहीं करना है, बिना छुए बताना है कि आप इन मिरर्स को कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा प्लेन मिरर है, कौन सा कनकेव मिरर है और कौन सा कन्वेक्स मिरर है। तो इसके लिए भी हम लोग इस चैप्टर में पढ़े थे कि जिस मिरर में हमारा इमेज जो है वो सेम साइज का बनेगा, है ना, सेम साइज का इमेज जिसमें बनेगा वो होगा क्या, प्लेन मिरर, है ना,
प्लेन मिरर, जैसे ही हम अपने चेहरे को मिरर के नजदीक ले जाएंगे, अगर उसमें जो है हमारा चेहरा का इमेज सेम साइज का बन रहा है तो हम लोग समझ सकते हैं कि वो एक प्लेन मिरर है ना। कनकेव मिरर को कैसे पहचानेंगे, जैसे ही हम अपने चेहरे को उस मिरर के नजदीक ले जाएंगे और अगर हमारा इमेज जो है वो मैग्नीफाइड बन रहा है ना, मैग्नीफाइड इमेज अगर हमारा बन रहा है तो हम समझेंगे कि वो क्या है, वो कनकेव मिरर है ना, कनकेव मिरर है। जैसे ही हम चेहरे को मिरर के नजदीक ले जाएंगे, अगर मेरा चेहरा उसमें बड़ा दिख रहा है, मैग्नीफाइड इमेज बन रहा है, तो हम समझेंगे कि वो एक कनकेव मिरर है। और कन्वेक्स मिरर को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं कि उसमें जो है डिमिनिश्ड इमेज बनेगा, है ना। डिमिनिश्ड मीन्स जिस मिरर में हम अपने चेहरे को सामने ले जाएं और अगर हमको डिमिनिश्ड इमेज मिले, छोटा इमेज मिले, है ना, मेरा चेहरा का जो है छोटा इमेज बने, तो वो जो होगा वो कन्वेक्स मिरर होगा, है ना। ऐसा करके हम लोग जो है पहचान सकते हैं और जान सकते हैं कि कौन सा मिरर किस टाइप का है। और इस चैप्टर में हम लोग प्लेन मिरर, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी कर चुके हैं, है ना। तो इस रिवीजन के साथ आज जो है हम लोग इस चैप्टर को समाप्त करते हैं, है ना। मिलते हैं फिर आपसे अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।